मैं इस वक्त लखनपुर में मौजूद हूं और आपको बताते चलें कि जैसे कि इस समय 6 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पर थोड़ी देर बाद जो है जो जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा जो है वो दाखिल होने जा रही है। और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कितनी भीड़ जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर कुछ युवा हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी की जो तस्वीर है वो यहाँ पर लगाई है अपने जैकेट्स के ऊपर। साथ में सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतने प्यार से, रात का समय है, ठंड का समय है, आपने इतने प्यार से हमारा जम्मू कश्मीर में स्वागत किया। मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत है, आप सबके लिए। आप भारत को जोड़ने निकले हो, आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो। भाइयों और बहनों, देश में बीजेपी और आरएसएस के ये जो नफरत फैलाई है ये गहरी है, मगर आप में से कोई कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक नहीं चला। मैं चला हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने हजारों लाखों लोगों से बात की है और मैं आपको गारंटी देके कहता हूं कि यह नफरत गहरी नहीं है। यह नफरत जरूर आपको टेलीविजन पे दिखेगी, जो हमारे रिपोर्टर हैं इन पर बीजेपी के लोगों ने, इनके मालिकों ने लगाम लगा रखी है तो इनको कहना पड़ता है। देखो, आपको इनके चेहरे दिख नहीं रहे मगर ये मुस्कुरा रहे हैं सब। और छुप छुप के मुस्कुरा रहे हैं, कहीं कैमरा पे ना आ जाए और मुसीबत हो जाएगी, मगर ये बात समझते हैं। ये मेरे पास आए, हर स्टेट में, मजे की बात बताता हूं, हर स्टेट में ये मुझसे मिलते हैं। जब हम स्टेट के अंत में आते हैं, जैसे अभी पंजाब में आए, तो ये सब रिपोर्टर आकर हमारे साथ 10-15 कदम चलते हैं। कल पंजाब के रिपोर्टर चले मेरे साथ, कहते हैं राहुल जी, जो आप स्टेट से हमें कहते हो वो बिल्कुल सच है। हमारे दिल में जो है, रिपोर्टर कह रहे हैं, हमारे दिल में जो है हम उसको टेलीविजन पे नहीं डाल सकते, उसको अखबारों पे नहीं डाल सकते, उसको मैगजीनों पे नहीं डाल सकते। यह आज हिंदुस्तान की सच्चाई है। तो इनको भी दबाया जाता है। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए गए, छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस वालों को खत्म करने के लिए नोटबंदी, गलत जीएसटी, ये हथियार हैं, ये पॉलिसियां नहीं है। जीएसटी का मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मध्य प्रदेश में किसी छोटे व्यापारी ने मुझे बताया, मुझसे सवाल पूछा, कहता है राहुल जी, आपको मालूम है कि अगर हम 25 किलो से कम चीनी, मैदा, दाल बेचते हैं तो हमारे ऊपर जीएसटी लग जाती है, मगर अगर 25 किलो से ज्यादा बेचते हैं
तो कोई जीएसटी नहीं लगती। मतलब अगर अरबपति, वो आप नाम जानते हो, अगर वो बेचे तो नो जीएसटी, मगर अगर छोटा व्यापारी बेचे तो जीएसटी। और जो रोजगार देते हैं इस देश को, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो रीढ़ की हड्डी है इस देश की, उनको खत्म कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक युवाओं के मुंह में एक सिर्फ एक शब्द है, बेरोजगारी, 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 बेरोजगारी। और ये देश अपने युवाओं को झूठ बोल रहा है, अपने युवाओं को झूठ बोल रहा है, अपने बच्चों को झूठ बोल रहा है। ये देश बच्चों से कहता है इंजीनियर बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, आईएएस में जा सकते हो, सेना में जा सकते हो, मगर सच्चाई ये है कि इन करोड़ों बच्चों में से 1-2% इंजीनियर बनेंगे, 1-2% डॉक्टर बनेंगे, और आज के हिंदुस्तान में बाकी बेरोजगार होंगे, मजदूरी करेंगे। और ये बीजेपी आरएसएस की पॉलिसियों का नतीजा है। हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर आक्रमण हो रहा है, युवाओं पर आक्रमण हो रहा है, छोटे व्यापारियों पर आक्रमण हो रहा है, किसानों पर आक्रमण हो रहा है, और पूरा का पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को। आपके लिए बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी, नोटबंदी, उनके लिए आपका धन। बीजेपी, आरएसएस, हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपति और हमारे प्यारे मीडिया वाले दोस्त, मोदी जी और मीडिया वाले लोग, मोदी जी और मीडिया वाले लोग हिंदू मुस्लिम की बात उठाएंगे, हिंदू मुस्लिम की बात उठाएंगे, नफरत फैलाएंगे, आपका ध्यान उधर जाएगा, इधर से आपकी जेब कट जाएगी। यह बहाना है, आप बात समझिए, यह बहाना है। जब ये एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक भाषा बोलने वाले लोगों को दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों से लड़ाते हैं, ये आपके ध्यान को इधर उधर करना चाहते हैं। इनका लक्ष्य है नफरत और हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई, और ये जो दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का और दूसरा गरीबों का, छोटे व्यापारियों का, किसानों का, मजदूरों का, ये है मुद्दे। ये आपको मीडिया पे कभी नहीं दिखेंगे। मीडिया पे आपको हिंदू मुस्लिम दिख जाएगा, आपको 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 हिंदू मुस्लिम दिख जाएगा, आपको तमिल मराठी दिख जाएगा, मगर यात्रा का मेन मैसेज है, मोहब्बत का मैसेज है, नफरत को मिटाने का मैसेज है। और मैं जानता हूं कि आप सबके दिल में मोहब्बत बहुत गहरी है। आप सबका दिल से धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी का, हमारे सीएम राजस्थान अशोक गहलोत जी जो हमारे बीच में हैं, श्री दिग्विजय सिंह जी का, श्री जयराम रमेश जी का, श्रीमती रजनी पाटिल जी का, श्री विकार सूल जी का, श्री तारिक हमीद करा जी का, श्री गुलाम अहमद मीर जी का, श्री रमन भल्ला जी का, श्री ताराचंद जी का, श्री पीरजादा मोहम्मद सईद जी का, श्री मनोज यादव जी का, श्री कमलेश्वर पटेल जी का, गुलाम नबी मोगा जी का, नीरज कुंदन जी का, जीतू पटवारी जी का।